पी आई। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं पी आई बराबर, एक चीज हमेशा याद रखना, पी आई मतलब पर्टिकुलर इंटीजर, उस फंक्शन का आउटकम तो क्या होगा वन अपॉन ये जो आप इक्वेशन बना लेंगे डी स्क्वायर माइनस टू डी माइनस थ्री, ये हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे नीचे डी स्क्वायर माइनस टू डी माइनस थ्री, और फंक्शन आपका क्या है e की पावर टू जेड इंटू जेड। अब देखो इसमें आपके दो फंक्शन है, पहले समझ लो ये फंक्शन है आपका e की पावर टू जेड इंटू जेड, तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे e की पावर टू जेड, e की पावर टू जेड में जो टू है ये हमारा क्या है a, इस a को किसमें प्लस कर देंगे इसमें d प्लस टू का होल स्क्वायर टू डी प्लस टू का माइनस थ्री, तो पार्टिकुलर इंटीग्रल क्या होगा आपका डी प्लस टू का होल स्क्वायर माइनस का टू डी प्लस टू माइनस का थ्री। अब क्या हुआ आपका e की पावर टू जेड वाला जो फंक्शन है वो आपने इसमें वैल्यू पुट कर दी तो ये हो गया, इसे अब फिर आपका क्या बचेगा z, e की पावर टू जेड में क्या करना है जहां पे d है वहां पे क्या लिखना है d प्लस टू का होल स्क्वायर माइनस का टू डी प्लस टू माइनस थ्री, इसे हम लोग सॉल्व करेंगे क्या होगा डी स्क्वायर प्लस फोर डी माइनस का टू डी माइनस का फोर माइनस का थ्री इंटू जेड, फोर से फोर क्या हो गए कैंसिल, तो अब क्या बचे आपकी इक्वेशन डी स्क्वायर प्लस फोर डी प्लस टू डी माइनस थ्री इंटू जेड। अब आपको देखो z वाले में क्या करना है, जब z वाला वैल्यू में आ जाए तो इसे हम लोग किस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं वन प्लस x की होल पावर n, वन प्लस x में हमें करना है तो क्या हम लोग कॉमन लेंगे थ्री, माइनस का थ्री कॉमन लेंगे तो क्या होगा माइनस का हमने वन बाई थ्री कॉमन लिया तो वन अपॉन वन माइनस डी स्क्वायर प्लस टू डी इंटू जेड, ये हो गया माइनस का वन बाई थ्री, ये फॉर्मूले आपको याद है वन माइनस एक्स की होल पावर एन तो क्या होता है वन माइनस का एन एक्स, पता है वन माइनस का एन एक्स, तो देखो इधर पे क्या हो जाएगा ये ऊपर जाएगा तो क्या फंक्शन होगा वन माइनस इंटीग्रल। अब इस पर्टिकुलर इंटीग्रल को हम लोग कहां रखेंगे इसमें
है।